अस्सलाम वालेकुम। आपने सबसे पहले खताती सीखने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो स्केच बुक के ऊपर ना आपने लाइनें लगानी है। तो सबसे पहले आपने ये इस तरह से कत बना लेने हैं, 7 कत। ये एक कलम के पॉइंट से ये जैसे कि ये 1 कत हो गया, ये 2 कत हैं, ये 3 कत है। इस तरह से 7 पॉइंट आपने लगाने हैं। 7 पॉइंट लगाने के बाद आपने इस लाइन को ये एक यहाँ से लाइन खींचनी है, फिर 2 कत छोड़ के एक यहाँ से, फिर 2 कत छोड़ के एक यहाँ से, और ऊपर बचेंगे हमारे 3 कत। तो ये हमारे लफ्ज़ों की जो होती है ना वो एक मेजरमेंट होगी। तो हम इसमें लफ्ज़ों कैसे लिखते हैं तो वो फिर हमें जो है ना वो आसानी हो जाती है। तो मैं आपको खत दीवानी सिखाऊंगा पहले स्टार्ट में, क्योंकि वो थोड़ी इजी भी है और अच्छी भी है, उसमें फ्लो बनता है। तो मैं मेरी ये जो ऊपर वाली लाइन है मैं इस लाइन से अपना लफ्ज़ जो है वो शुरू करूँगा और इस लाइन तक आएगा। तो ये जो लाइनें होती है ना ये सीखने में बहुत मदद देती हैं। जब सीख जाता है बंदा तो फिर इसमें लाइनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्ट में ये लाइनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हम ना ये लाइनों का सहारा लेते हैं स्टार्ट में। तो मैं ये अब इस कलम के साथ लिख रहा हूँ, यहाँ से शुरू करूँगा मैं अपना अलग। इस लाइन तक एक कलर ऐसे होता है, इस लाइन तक आता है, ऊपर से इसका ये जो ताज होता है ये हमारा इस लाइन तक आता है खत दीवानी में। और एक जो दूसरा अलफ होता है वो ये होता है कि यहीं से हम इसको ये ऐसे नीचे ले आते हैं, वो भी यहीं से शुरू करेंगे। इस लाइन से हमें ये जो अलग का नीचे वाला पॉइंट होगा ना, इसका जो पाँव होता है ये हम इसको वापस लेके जाएंगे। इसकी यहाँ से ये रे जैसी शक्ल बनती है लाइन के बराबर, ठीक है। ये खत दीवानी का गलफ ऐसे होता है, कैसे होता है, इसका भी ऊपर वाला जो ताज है वो इस लाइन तक आएगा, लाइन तक। तो आप भी इसको ऐसे लिखें, कोशिश करें, ठीक है। अब जो है हमारा बे जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस लाइन से, ऊपर वाली लाइन से दूसरी लाइन, नीचे वाली लाइन से ये तीसरी लाइन, और ये हमें एंड वाली लाइन तक लेके जाना है इसको गोल। इसके पॉइंट को टूटने नहीं देना कहीं से भी। इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम इसको, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ ऊपर हम इसके ये मध्य लिखते हैं, आगे हमारा जो लफज है वो जीम है। जीम को हम इस लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से इस लाइन तक आएगा, फिर नीचे वाली लाइन हमारी ये है तो यहाँ तक आएगा जीम। जीम भी इसमें खत दीवानी में 2 तरह से होते हैं, एक लिख रहा हूँ बड़े वाला, इस लाइन से नीचे को बारीक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से इसका पॉइंट जो होता है ये बारीक सा आता है ये। दूसरा जीन छोटा होता है इसका, वो यहाँ से
इस लाइन से और इस लाइन से फिर ये ऊपर को इस लाइन तक। ठीक है, ये भी एक जीन है। दाल, दाल के लिए हम क्या करते हैं कि इसका यहाँ से पॉइंट जो होता है ना, जैसे ये अलग का बनाया था हमने ये ताज, तो इसको हम यहाँ से इसका ताज बनाएंगे इस लाइन तक, ऊपर से बिल्कुल गोल। इस लाइन तक जैसे ये हमने ये अलग का ये वाला पॉइंट बनाया था, वैसे ही दाल का भी ये वाला पॉइंट बनाना है बिल्कुल बारीक लाइन के साथ। ठीक है, अब आती है रे। तो रे को हम थोड़ा सा यूं लिखते हैं, दाल से थोड़ी छोटी होती है रे किसी भी खत में आए तो। नीचे से इसका भी वही पॉइंट जो दाल का है। ठीक है, तो आज के लिए आप इतनी मशक करें, बाकी इंशाल्लाह मैं आपका काम चेक करके फिर आपको क्लास दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें।